Hi friend, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you accounting ratio related problem. Okay? उसके लिए एक example लेके चलते हैं कि question में हम लोग को निकालना क्या है. इस question हम लोग निकालेंगे current ratio. तो क्या दिया हुआ है? From the following, compute the current ratio. क्या क्या दिया हुआ है? Total assets 1 lakh, shareholder fund 60,000, non-current liability 20,000, non-current assets 50,000. देखते हैं question में क्या क्या था. क्वेश्चन में जो चीज दिए हुए हैं वो क्या क्या चीज दिए हुए हैं. यहां है टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स कितना दिया है यहां पे? 1 lakh rupees, 1 lakh. ठीक है. अब टोटल अब क्या कर रहे हैं? सेकंड क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर. होल्डर्स शेयर होल्डर क्या दिया हुआ है? फंड दिया हुआ है. शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड रुपीज 60,000. ठीक है. अब देखिए फिर क्या दे रहा है? नॉन करेंट लाइबिलिटी. करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी रुपीज कितना है? नॉन करेंट लाइबिलिटी बता रही है क्वेश्चन में 20,000. फिर कह रहे हैं नॉन करेंट एसेट्स वो कितना है? 50,000. नॉन करेंट एसेट्स इज इक्वल टू रुपीज 50,000. अब हम लोग इसमें से इन चार आइटमों से हम लोग को निकालना क्या है? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी. अब यहां पे देखिए ना तो क्वेश्चन में करंट एसेट्स दिया हुआ है ना तो करंट लाइबिलिटी दी हुई है. हम लोग को फाइंड करना है. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी. अब हम लोग इसमें फाइंड क्या करना है? करंट एसेट फाइंड करनी है और करंट लाइबिलिटी उसके बाद हम लोग क्या निकालना है? रेशियो निकालनी है. तो अब करंट रेशियो करंट एसेट फाइंड करने के लिए जितने भी हमारे टोटल एसेट्स है टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारी क्या आती है वो सॉरी टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट्स को माइनस करते हैं तो हमारी क्या आएगी वो करंट एसेट्स. इसका मतलब क्या हो गया? करंट एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, माइनस नॉन करंट एसेट्स. ठीक है. अब नॉन करंट एसेट्स हो गए तो टोटल एसेट्स हमारे पास कितने का था? रुपीज 1 lakh. और नॉन करंट एसेट्स कितने का था? टोटल एसेट्स था 1 lakh का था और नॉन करंट एसेट्स कितने का था? 50,000. तो रुपीज 50,000. तो हमारे करंट एसेट्स कितना आ गया? रुपीज 50,000 हमारी क्या आ गई? ये करंट एसेट्स आ गई. ओके ये तो करंट एसेट्स आ गई. अब करंट लाइबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी. क्यों? क्योंकि टोटल ये भी एक है कि अब इनको हम लोग निकालना क्या फाइंड करना है? करंट एसेट्स के बाद करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी. यानी टोटल एसेट्स एसेट माइनस माइनस क्या किया? शेयर होल्डर फंड, होल्डर्स फंड माइनस क्या कह रहे हैं? नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट लाइबिलिटी, सॉरी नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी. यानी टोटल एसेट्स कितने का था हमारे पास? था रुपीज 1 lakh. रुपीज 1 lakh. शेयर फंड कितना है? 60,000. नॉन करंट लायबिलिटी कितने की थी? 20,000 रुपीज. 20,000
माइनस किया तो 1 लाख माइनस 60,000 बचा कितना 40,000 और फिर माइनस 20,000 तो बचा कितना 20,000 यानी ये क्या आ गया हमारा रुपीज 20,000। ये तो हमारी स्थिति थी कि हमारा हमसे हम लोगों ने क्या क्या फाइंड किया करंट एसेट भी हमको मिल गया यहाँ पे और यहाँ पे क्या मिल गया करंट लायबिलिटी भी। तो अब करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी करेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगी करंट रेशियो। तो अब इसके लिए क्या है हम लोगों ने फॉर्मूला तो पहले लिख चुके हैं तो इसके लिए क्या होगा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है तो हम लोग करंट एसेट मिला कितने का 50,000 करंट करंट लायबिलिटी कितने की मिली है 20,000 की। तो अब इसके लिए अब यहां पे क्या हो जाएगा इसके आगे तो यहां पे क्या हो जाएगी यहां पे कर देते हैं करंट एसेट का उन्होंने फाइंड किया था इससे एंड करंट लायबिलिटी भी। तो अब करंट एसेट से फाइंड किया करंट लायबिलिटी भी तो हम लोग रेशियो तक क्या था करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अब इसके बाद इसी को याद किया जा सकता है तो करंट एसेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी यहां पे हमारी करंट ₹50 50,000 अपॉन रुपीज 20,000 तो इसका रेशियो क्या जाएगा 2.5:1। इस टाइप से तो हम लोगों ने फाइंड किया करंट रेशियो का। देख लेते हैं फिर क्वेश्चन में क्या क्या था क्वेश्चन में क्या था कि क्या निकाला था हम लोग करंट रेशियो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था टोटल एसेट्स रुपीज 1 लाख का था शेयर होल्डर फंड रुपीज 60,000 नॉन करंट लायबिलिटी रुपीज 20,000 एंड नॉन करंट एसेट्स 50,000 था। तो हम लोगों ने क्या निकाला करंट रेशियो का फॉर्मूला किया था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो उसके लिए पहले हम लोग को करंट एसेट्स फाइंड करना था तो हम लोगों ने करंट एसेट्स के लिए फाइंड करने के लिए क्या किया टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट्स माइनस किया तो हम लोग क्या आ गए करंट एसेट यानी करंट टोटल एसेट्स कितने का था 1 लाख और नॉन करंट एसेट्स कितने की थी 50,000 माइनस किया तो हम लोग करंट एसेट्स कितने की आ गई 50,000। अब हम लोग जब करंट एसेट तो फाइंड कर लिया अब हम लोग को फाइंड क्या करना था किस चीज की रिक्वायरमेंट थी करंट लायबिलिटी की। तो करंट लायबिलिटी की इज इक्वल टू क्या हो गई टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है तो टोटल एसेट्स कितना था हमारे पास 1 लाख का था शेयर होल्डर फंड कितने की थी 60,000 का था और नॉन करंट लायबिलिटी कितने रुपीज की थी 20,000 की। तो हमने क्या किया 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 20,000 तो 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 20,000 किया तो रिमेनिंग बचा कितना लास्ट में 20,000 बची जो हमारी करंट लायबिलिटी। अब उसको हमने रेशियो में रख दिया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी यानी 50,000 अपॉन 20,000 किया तो हमारा रेशियो हो गया 2.5:1। ओके अब इसके बाद और भी क्वेश्चन लेके आएंगे कि रेशियो में अलग अलग रेशियो के कैसे कैसे फाइंड करते हैं और किस रेशियो का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके थैंक यू।